वीडियो में हमने जाना कि आखिर कैसे गप्पे मारने की आदत के चलते हम एक आम बंदर से दुनिया का मालिक बन पाए और फिक्शन यानी कि कहानी सुनाना जो कि भले ही उस समय तक नॉर्मल थी पर आज इसी से ही दुनिया चलती है। और ये बात मैं किसी धर्म या फिर संगठन की नहीं कर रहा बल्कि एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाओगे और ये जान पाओगे कि आखिर दुनिया चलती कैसे है। धर्म, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, ट्रेडिशन, ये सब एक फिक्शन ही तो है। पैसे देकर हम कोई सामान खरीद सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में ये भी एक फिक्शन ही तो है जिसे फिर ट्रस्ट के हिसाब से लागू कर दिया जाता है, ट्रस्ट जो हम गवर्नमेंट पे करते हैं। और इसी के चलते पैसा लेकर किसी भी दुकान में जाकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। हमें ये वैल्यू होता है कि उस पैसे के मूल्य के हिसाब से हमें दुकानदार कोई सामान दे देगा, दुकानदार भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है इसलिए वो पैसे हमसे ले लेती है, वरना ये पैसे ये कागज के टुकड़े हमारे किस काम के। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज पूरी दुनिया चलती है। किसी भी देश के नियम कायदे कानून दुनिया की अत्यंत सच्चाई नहीं होती है बल्कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिस पर अधिकांश लोग ट्रस्ट करते हैं और इसे ही फिर बाद में लागू कर दिया जाता है। और यही आ जाता है धर्म जो बेसिकली हम इंसानों ने ही बनाया है। पर हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये दावा किया, इन्होंने लोगों के बीच ये भ्रांति फैलाई कि धर्म में जो बातें लिखी हुई है वे हमसे भी बड़ी सुपर नेचुरल पावर द्वारा लिखी गई है जिसने हमें बनाया, जिसने इस पूरे कायनात को बनाया। और उन्हें खुश करने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज है फेथ यानी कि विश्वास, और विश्वास से बड़ी कोई दूसरी चीज है ही नहीं चाहे वो साफ दिख रही सच्चाई क्यों ना हो। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम इतिहास में हजारों साल पीछे चलते हैं जब कुछ दिमागी म्यूटेशन की वजह से हमारी ब्रेन की वायरिंग चेंज होने लगी, हम सोचने समझने लगे। इसी बीच जन्म हुआ कुछ सिंपल से मान्यताओं का जो भले उस समय तक हम दुनिया के लिए बेकार सी हो पर किसी भी चीज जिसके सकारात्मक परिणाम आते थे जैसे ग्रुप के किसी मेंबर ने किसी बकरे या फिर हिरण का पीछा किया और उस बकरे या फिर हिरण ने पूरे ग्रुप खजाने या फिर खाने के भंडार तक पहुंचा दिया तो उसे एक शुभ संकेतक माना जाता था और उस हिरण या फिर बकरे के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। और यही शुभ संकेतक किसी दूसरे ग्रुप के लिए कोई दूसरा जीव, कोई पेड़ पौधा या फिर एक पत्थर भी हो सकता था। यहीं से जन्म हो दुनिया का सबसे पहला, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक धर्म जिसे कहा जाता है एनिमिज्म। इस धर्म में लोग किसी भगवान, किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे बल्कि प्रकृति की पूजा करते थे क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में ही रहते थे। और इस समय तक लोग अन्य जीवों को और छोटा नहीं मानते थे क्योंकि वे भी दूसरे जीवों की तरह जंगलों में ही रहते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। पर ये सारी चीजें कुछ ज्यादा समय तक नहीं चली। पर जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती चली गई हम कृषि करने लगे, हम व्यापार करने लगे और दूसरे सारे जीवों और पेड़ पौधों पर अपना हक जताने लगे और अपने फायदे के लिए इनका उपयोग करने लगे। पर दोस्तों हम जल्द ही समझ पाए कि इन सारी चीजों पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। किसी भी जीव को किसी भी महामारी से नहीं बचा सकते, हम ये नहीं जान सकते कि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे भी या नहीं, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे फसल के लिए इस साल अच्छी बारिश होगी या नहीं, हमारे फसल कैसे होंगे, इन सारी चीजों को हम नहीं जान सकते थे। इसलिए हमारे बीच कुछ ऐसे मान्यताओं ने जन्म लिया जिनके अनुसार हमसे भी बड़ी कोई ऐसी पावर है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है जिसे हम आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और किसी तरह हमने अगर उन्हें खुश कर लिया तो हम उन सारी चीजों को भी कंट्रोल कर पाएंगे जो आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी मान्यता के साथ जन्म हुआ दुनिया का दूसरा धर्म जिसे कहा जाता है पॉलीथिस्टिक धर्म। और इस धर्म में हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। यही मान्यता आज तक हमारे बीच फैली हुई है। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आग के लिए अग्निदेव, जल के लिए इंद्रदेव, विद्या के लिए माँ सरस्वती, धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए श्री गणेश और ना जाने ऐसे ही कई अनगिनत देवी देवताओं की पूजा आज हम करते हैं। बट ये दोनों धर्म कुछ ऐसे धर्म थे जो बड़ी संख्या में किसी मानव सभ्यता को इकट्ठे नहीं कर पाते थे। ऐसे धर्म का जो ये दावा कर सके कि उनके ही भगवान जो है दुनिया के वन एंड ओनली गॉड है, लोगों को कन्विंस कर सके और भी दूसरे लोगों और अपने दोस्तों तक ये बात लाए कि उनके ही गॉड जो है वो परी है, वो भी इस धर्म के साथ जुड़े। इसी के साथ जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी, ऐसा धर्म जिसे कहा जाता है मोनोथिस्टिक धर्म। और इसी चीज का फायदा ज्यूज यानी यहूदियों ने उठाया। उन्होंने ये दावा किया कि जीसस क्राइस्ट ही उनके असली मसीह है और जिनके जन्म के लिए उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार दुनिया इंतजार कर रही थी, वे ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर चढ़े और अपनी जान कुर्बानी दी। उन्होंने हमें मानवता समझाने के लिए खुद भी मानव रूप में अवतार लिया था। और इन्हीं मान्यताओं के साथ अधिकांश लोगों ने ये मान लिया कि जीसस क्राइस्ट ही उनके असली मसीह है और निकल पड़े लोगों को ये समझाने तुम भटके हुए हो, तुम गलत भगवान को मान रहे हो, हमारे भगवान को मानो क्योंकि वही दुनिया के वन एंड ओनली गॉड है। और इसी मान्यता और इसी प्रचार प्रसार के चलते पूरी दुनिया में फैलती चली गई और ऐसे ही कुछ मान्यताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म यानी कि इस्लाम भी विकसित हुआ। और दोस्तों क्या ये धर्म प्रचार जो है जो पूरे जोर शोर से धर्म का प्रचार करते हैं, क्या ये निस्वार्थ भाव से धर्म का प्रचार करते हैं या फिर इनके भी कुछ ऐसा मकसद छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देते। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, और क्या आज की मॉडर्न लाइफ में भी धर्म को फॉलो करना क्या हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ये बस एक छलावा है, एक अंधविश्वास जो हमें पीछे ढकेलता जा रहा है। दोस्तों आपका क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें।